यहाँ की अथॉरिटीज आपको बहुत परेशान करते हैं अगर आपके पास ड्रोन है तो। मेरा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। फॉर द वेरी लास्ट टाइम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल काठमांडू। ये थोड़ा अवॉइड करो, अभी मैंने रियलाइज किया कि मेरी दाढ़ी कुछ ज्यादा बढ़ गई। कोई बात नहीं, आपसे पहले आपका स्वागत करते हैं। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय YouTube चैनल। कल के ब्लॉग में आपको बताया था ना, हमने कुछ नया सा स्पेशल टी शर्ट लिया है। दिस इज द वन, ये मस्त था, बुद्धा का टी शर्ट लिया मैंने। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। टाइम अपडेट नाउ 11, हमारी फ्लाइट है 3 बजे की। तो अभी अपन यहाँ से क्या बुक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पोखरा में कहा था कि कोई ऐप है जो चलता है यहाँ पे, पर वो काम नहीं किया था। क्या नाम है आपका? इन ड्राइव, इंडिया में भी चलता है इन ड्राइव करके ऐप है, ये इंडिया में भी चलता है। और यहाँ आप नेपाल में आओगे तो आपको इस ऐप के थ्रू काफी सस्ते में कैब्स मिल जाएंगी। अगर आप लोकली टैक्सी बुक करना चाहोगे या फिर रिसेप्शन से या होटल्स वगैरह से टैक्सी बुक करोगे तो आपको आराम से वो लोग 900-1000 रुपए ले लेंगे नेपाली। पर इसमें हमने कल काठमांडू एयरपोर्ट से यहाँ तक आए थे तो कितना पैसा लगा था? इंडियन 256 रुपीज। और इंडियन 256 इन नेपाली में कुछ 400 रुपए, 400-460 नेपाली में कुछ 400 समथिंग। तो इन ड्राइव ऐप मैं ऐसा नीचे ऐसा ये डाल दूंगा उसका, मतलब लिंक तो नहीं पर मैं उसका एक एटलीस्ट फोटो डाल दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या है ये ऐप और कैसा दिखता है। तो आप यहाँ आओगे तो आपको हेल्प होगी। अभी हम कैब बुक कर रहे हैं, कैब आएगी तो निकल जाएंगे। बाय। देखा आपने कितना फ्रेंडली एनवायरमेंट है यहाँ पे। अभी फाइनली नेपाल को बाय बोलने का टाइम आ गया है। 6 दिन हो गए हमको नेपाल में काठमांडू पोखरा घूमते हुए। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू जीरो अब हम इन पहाड़ों को, इस ठंडी को काफ़ी थोड़ा सा मिस करेंगे और इन लोगों को भी, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली। कैब बुलाई हमने, कैब अंदर तक नहीं आई। ये हमारा पीछे फ्लॉक हॉस्टल, बुरा लग रहा है पर कोई नहीं, दोबारा आएंगे नेपाल। बहुत अच्छा लगा मुझे नेपाल आके, यहाँ के लोगों से मिलके। यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत प्यारा है। अब इट्स फाइनली टाइम टू गो, क्योंकि हमें अपने घर की भी याद आ रही है। ये हमारी कैब आ गई, इधर सामान लोड कर लेता हूँ फिर आपसे बात करते हैं। राइट पीपल, टाइम अपडेट 11:17 और अपन निकल गए एयरपोर्ट के लिए। फ्लाइट कितने घंटे की अपनी फ्लाइट? 2 घंटे 45 मिनट 2 hours 45 minutes की फ्लाइट है, 3 hours पकड़ो। एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, वो अपन मुंबई एयरपोर्ट पे उतर के आपको बताएंगे कि क्या सरप्राइज। No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Here we are, finally. काठमांडू एयरपोर्ट पे पहुंच गए अपन। आए थे तब 2 बैग थे, ये दूसरा बैग इसके ऊपर डाला मैंने, तीसरा बैग मेरे कंधे पे है क्योंकि हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करी ना, तो अब जो शॉपिंग करी उसके लिए मैं ये एक्स्ट्रा बैग लेकर आया था, काम आ रहा है। अभी जितनी जल्दी हो सकता है अपन चेक इन वेकिन कर लेते हैं, बैग से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि मुझे बैग टांग के व्लॉग्स करना पसंद है। चेक इन डन, बैग से मुक्त हो चुके हैं हम। जूते भी उतरवा लिए, तो उसी चीज़ की वजह से मैं कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं इतने गैजेट्स लेकर ट्रैवल जो करता हूँ। कोई नहीं, आप लोगों के लिए करना पड़ता है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। एयरपोर्ट पर वेट की एडिटिंग कर रहे हैं अभी। हमारी फ्लाइट को टाइम है 1:30 हुआ है, 2 बजे बोर्डिंग चालू होगी, 3 बजे की फ्लाइट है ना, तो अभी आधा घंटा है। तो हमने सोचा जब तक हमारा आधा घंटा है तो हम वो आधा घंटा यूटिलाइज कर लेते हैं, मेरा आधे से ज़्यादा ब्लॉग एडिट हो जाएगा आधे घंटे में। खा पी लिया है, दिखाया नहीं आपको क्योंकि बहुत भूख लगी थी, सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, तो सिर्फ एक कॉफ़ी पी, एक बर्गर खाया। ऑलराइट, टाइम अपडेट 1:45 टाइम अपडेट 2:45 इसके पहले का मैं काट दूंगा।
टाइम अपडेट 2:45 बोर्डिंग हमारी चालू हो गई है। वो बस में भर के ले जा रहे हैं सबको भेड़ बकरियों की तरह। हमारी फ्लाइट 3 बजे की है, तो आई होप कि फ्लाइट टाइम पे टेक ऑफ कर दे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quien soy. Contigo me siento en control, eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que hablo en mis canciones. Ahora vive. एक बहुत ही बुरा सा इंसिडेंट हुआ अपने साथ अभी। सारा सिक्योरिटी चेक खत्म करने के बाद जब मैं फ्लाइट बोर्ड कर रहा था तब मुझे रोक दिया गया ओनली फॉर माई ड्रोन। सो आई विल सजेस्ट यू हाईली, अगर नेपाल आ रहे हो तो ड्रोन मत लेके आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट फ्लाई इट, तुम्हारे पास एक्सेस लगेज हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ की अथॉरिटीज़ आपको बहुत परेशान करते हैं अगर आपके पास ड्रोन है तो। मेरा दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने जस्ट फॉर दैट चेकिंग फ्लाइट में चढ़ने से पहले, विच वॉज ऑफ नो यूज़। अब वो सब छोड़ो, मूड ख़राब हो गया, आप मूड रिफ्रेश कर रहे थे। अपन बैठ चुके हैं फ्लाइट में, 3:05 की अपनी फ्लाइट थी जो डिलेड हो चुकी है। टाइम अपडेट इज 3:14, उड़ान भरने के लिए तैयार है। अभी यहाँ से तो डिले हो गई है, बराबर टाइम पे लैंड करेगी या ना पता नहीं। 5 बजे का अपना कुछ लैंडिंग है, लेट्स सी पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ गए, छोटा सा इंटरनेशनल ट्रैवल। इसके चक्कर में अभी इधर से, जैसे आपको पता है अपन प्लेन से बाहर निकलते ही सीधा किधर पहुँचते हैं, इमिग्रेशन से, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल था तो इमिग्रेशन से बहुत जाना पड़ेगा। तो मेरे पास स्किल्स है, मैं इसको इमिग्रेशन से जल्दी निकल पाऊँ। इमिग्रेशन अपना हो गया, बैगेज अपना आधा है आधा नहीं आया, और हमको देखो कौन मिला। अभी नितिन यहाँ से पुणे जाने वाला है और अपन आदित्य के साथ घर जाने वाला, पर उससे पहले कि बैग ले ले फिर जाए। और अभी ट्रैफिक का टाइम है ना, तो कैब प्रेफरेबल। 6:45 टाइम अपडेट। अभी घर पूछते कितना टाइम लगेगा पता नहीं। वो देखो एक सिपाही उस तरफ और एक सिपाही इस तरफ, दोनों तरफ बैग लेने की कोशिश जारी है पर मिल रहा नहीं। एक ही मिल, दूसरा वाला जो शॉपिंग का बैग है वो उधर ही है, देखता हूँ। 2 hours later टैक्सी से निकलते ही सीधा अपन होटल में आ गए। देखो हमको भूख इतनी लगी थी कि हमने सीधा होटल में आके खाना ऑर्डर किया और यही बताना ही भूल गया कि मैं खाना खा रहा हूँ। दाल मखनी, चिकन, रोटी, चावल अभी आ रहे, खा लेता हूँ क्योंकि मुझे। जो आपको लास्ट शॉट दिखाया था वो तब का था जब हम खाना खाने के लिए रुके थे, उसके बाद इतने स्यापे हुए मैं आपको बता नहीं सकता। हुआ ये कि नितिन हमारे साथ घर नहीं आया था, जैसा कि आप जानते हैं। वो चढ़ा कोई रिक्शा में और उसके रिक्शा में जो उसका छोटा वाला पाउच था उसके अंदर उसका पासपोर्ट, एयरपॉड्स एंड वॉलेट एंड काफ़ी कुछ था जो रिक्शा में छूट गया। अब वो छूटा तो छूटा, उसने मुझे फ़ोन करके ये चीज़ बताई और उसी स्यापे में पूरा हॉचपॉच हो गया। और मैं व्लॉगिंग वॉगिंग तो सब दूर, हम उसी में लगे हुए थे कि मिला नहीं मिला, ट्रैक हुआ, पुलिस स्टेशन, ये वो, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट आधा रास्ता आ चुके थे, अनित और मैं घर पहुंचने ही वाले थे और नितिन था एयरपोर्ट पे जो ये सब लड़ रहा था। तो आफ्टर ऑल दैट जब हम घर पहुँचे उसके बाद भी मुझे कुछ होश नहीं था कि मुझे व्लॉग एंड करना है या व्लॉग करना है। अब फाइनली टाइम हो रहा है 12:18, अब जाके उसको अपना पूरा सामान मिला है और वो फाइनली पूना के लिए निकल गया। तो अब मैंने सोचा कि ये व्लॉग एंड कर दिया जाए, क्योंकि मैं एडिटिंग पे बैठा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि इस व्लॉग को एंड ही नहीं किया है। अब तक की जर्नी हमारी अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाओगे तो राइट साइड में ऊपर एक छोटा सा बटन आता है सब्सक्राइब करके, आपको सिर्फ वो एक ही बार दबाना है। अगर वो सब्सक्राइब्ड हो गया तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए हमारे सब्सक्राइबर हो। एवरी टाइम जब आप हमारा वीडियो देखते हो तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार करना है और वो फ्री है। और आप हमको
बार बार देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब, बस इतना ही. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. सी ऑल्सो इन द नेक्स्ट व्लॉग. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला वीस्ता, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रीम बिग.